हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों से आपको लग रहा होगा कि ना तो मेरे ब्लॉग आ रहे हैं ढंग के और ना मैं बना पा रही हूँ ब्लॉग। मतलब इतनी बिजी हूँ अभी मैं, और किस काम में बिजी हूँ ये आपको बाद में बताऊँगी। आपके लिए ये सरप्राइज है कि हम लोग किस काम में बिजी हैं। इसके बाद जब ये काम हमारा पूरा हो जाएगा तो आपके पास अच्छे ब्लॉग्स आएंगे और फिर शिप्रा के भी अच्छे ब्लॉग आएंगे। तो बस थोड़ा सा वेट किए करिए, 8-10 दिन का वेट करिए, ब्लॉग अच्छे अच्छे मिलेंगे शिप्रा के भी मेरे भी। और बस अभी जैसे भी ब्लॉग मैं बना पा रही हूँ, थोड़ी सी बिजी हूँ इस कारण मैं ब्लॉग बना नहीं पा रही हूँ और आप सब लोग भाग गए हैं मेरे चैनल से। तो भागिए मत, आपको आगे बहुत अच्छे ब्लॉग मिलने वाले हैं और अभी भी जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक मैं दूंगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको किचन टिप्स, होम टिप्स, होम हैक्स वगैरह ये बताऊंगी। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। काम तो रोज़ ही देखते हैं आप, किचन के भी देखते हैं तो घर के काम भी देखते हैं। तो काम तो जैसे रोज़ होते हैं वो होते ही हैं, घर के हर महिला को होते हैं। तो आज मैं आपको थोड़े से टिप्स बताऊँगी जो किचन में मैं जो टिप्स करती हूँ और जिससे मेरा वक्त बचता है। तो टिप्स देखिएगा आप जरूर और ब्लॉग में बने रहिएगा। किचन अभी मेरी फैली फैली है क्योंकि मैं काम में बहुत ज्यादा बिजी हूँ। अभी मैं आपको किचन के टिप्स बता रही हूँ कि मुझे जो सुबह सुबह मुझे दिक्कत आती है, और मैंने पहले भी आपको बताया है अपनी वीडियोज में कि जो मसाले होते हैं हमारे डेली यूज के मसाले, और हम मसाले दानी से निकालते हैं या डालते टाइम हमें काफी परेशानी होती है। तो मैंने आपको मसाला बना के बताया था और फिर मैं बना रही हूँ मसाला क्योंकि मुझे दिक्कत होती है सुबह सुबह टिफिन बनाने में। तो टिफिन के लिए आप सबसे पहले तो ये करिए कि सब्जियां काट के रखेंगे, हम रात को रखते ही हैं क्योंकि सुबह जब जिस दिन भी मैं काट के वो सब्जियां नहीं रखती हूँ सुबह मुझे लेट हो जाती है। तो सबसे पहला काम आप रात को ये करें कि सब्जियों को काट के रखें। और मसाले के लिए मैं फिर अभी मसाला बना रही हूँ क्योंकि मेरा मसाला खत्म हो चुका है। पिछली बार मैंने छोटा डब्बा मसाले का बनाया था तो वो जल्दी खत्म हो गया था। तो जो डेली यूज करते हैं हम सब्जियों मसाले उसी को मैंने बना के आपको बताया था। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखी हो तो मैं लिंक दे दूंगी आपको और वो वीडियो जरूर देखिएगा, और बहुत ही काम की वो वीडियो है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे साबुत धनिया होते हैं हमारे, तो उनको भून लें, उनको भून के और थोड़े से रोस्ट कर लें, मतलब ड्राई रोस्ट कर लें उसको। तो मैंने करके और फिर ये पीस लिए हैं। तो पहले आप कढ़ाई में थोड़े से उनको रोस्ट कर लें कढ़ाई में, और उसके बाद आप मसाले मिला सकते हैं उसमें। तो धनिया की क्वांटिटी मैंने आपसे कहा था कि ज्यादा रखी जाए, तो ये धनिया की क्वांटिटी मैं ज्यादा रख रही हूँ। तो हम 2-2 चम्मच के हिसाब से देखेंगे कि 2 चम्मच यदि धनिया होता है तो 1 चम्मच टीस्पून मिर्ची होनी चाहिए, लाल मिर्ची। यदि 2 चम्मच धनिया होगा, साबुत धनिया को पीस लेंगे हम रोस्ट करके, 2 चम्मच यदि धनिया होता है तो 1 चम्मच मिर्ची होनी चाहिए टीस्पून, और उससे कम हल्दी होनी चाहिए तो 1/4 चम्मच या फिर 1/2 चम्मच ही लगा लीजिए आप हल्दी का। तो हल्दी होनी चाहिए उसमें, बाकी आप चाट मसाला वगैरह डालना चाहें, अमचूर डालना चाहें तो ये भी डाल सकते हैं। तो हो गए धनिया, मिर्ची, हल्दी, अमचूर या चाट मसाला या गरम मसाला, इन चीजों की जो चाट मसाला है उसकी भी क्वांटिटी 1 चम्मच से ही हो। यदि 2 चम्मच धनिया लेते हैं, धनिया हमें सबसे ज्यादा लेना है, तो इन चीजों को हम मिला देंगे। तो ये धनिया है और ये कम से कम धनिया 1 कटोरी है, तो 1 कटोरी यदि धनिया है तो फिर मैं इसमें 1/2 कटोरी मिर्ची मिला दूंगी, और उसी हिसाब से मैं उससे कम पौना यानी उससे भी कम 1/4 कटोरी में इसमें हल्दी मिला दूंगी, और थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला मिला दूंगी।
हींग भी मिला दीजिए आप, तो क्या है कि उस वक्त आपको नहीं डालनी पड़ेगी। जो लोग जैन खाना खाते हैं उनको तो हींग ही डालनी पड़ती है। आप लोग तो जैसे कोई चीज में ये प्याज लहसुन डालते हैं ना, तो आप तो प्याज लहसुन डाल लीजिए। हम लोग हींग खाते हैं तो फिर हींग भी इसमें मिला देंगे, तो हींग हो जाएगी धनिया मिर्ची हल्दी हींग और अमचूर, और हो गया हमारा गरम मसाला। चाट मसाला है तो वो भी डाल सकते हैं आप। तो इस तरह से आपका पूरा मसाला बन जाएगा, और सुबह जब आप खाना बनाएंगे या जब भी खाना बनाएंगी, आपको केवल मतलब दो जनों की सब्जी में एक चम्मच मसाला वो डालना है, और नमक अपने स्वाद के अनुसार अलग से डालना है। तो मैं आज ये मसाला ही बनाने किचन में आई हूँ। तो पहले मैं आपको ये रेसिपी इस मसाले की दे चुकी हूँ, तो ये मैं अभी बनाऊंगी मसाला। बाद में एक मसाला और मैं आपको बता देती हूँ, जो अचारी मसाला होता है वो है सौंफ, दाना मेथी, राई और कलौंजी से बनता है। तो कलौंजी जरूरी नहीं है कि आप डालें। तो कई बार ऐसा होता है कि कभी हमसे सब्जी में हल्दी ज़्यादा डल गई, तो कभी हमसे धनिया ज़्यादा डल गया, और वो सब्जी का स्वाद बिल्कुल बिगड़ जाता है। जो लोग बिल्कुल मतलब समझते हैं कि इस सब्जी में कौन सी चीज़ ज़्यादा लग रही है, स्वाद को जो समझते हैं वो लोग एकदम पहचान जाते हैं। जैसे मैं खुद पहचान जाती हूँ कि आज कौन सी सब्जी में हल्दी ज़्यादा हो गई और कौन सी सब्जी में धनिया ज़्यादा हो गया। तो ये चीज़ आपके साथ नहीं रहेगी यदि आप ऐसा मसाला बना के रखती हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मसाला फिर दोबारा। वैसे मैं अपनी वीडियो में दे चुकी हूँ, लेकिन नए लोग मेरे से बहुत जुड़ गए हैं, तो वो लोग देखें कि मैं मसाले को, सब्जी के मसाले को किस तरह से बना के रखती हूँ। ये धनिया पीसा हुआ है मैंने रोस्ट करके, ड्राई रोस्ट करके इसको पीसा हुआ है, और ये कम से कम एक कटोरी है। तो एक कटोरी यदि धनिया होता है तो हम आधा कटोरी इसमें मिर्ची मिला देंगे। ये बड़ी कटोरी है और ये छोटी है, इसलिए मैं इसको फुल कटोरी मिला रही हूँ। और हम लोग खाते हैं तीखा ज़्यादा, तो तीखा खाते हैं यदि आप भी, तो इसमें ज़्यादा मिला सकते हैं। हल्दी हम थोड़ी सी कम मिलाएंगे, क्योंकि हल्दी का ज़्यादा स्वाद आता है, तो हम हल्दी को तो आधा कटोरी ही मिलाएंगे इतने मसाले में। थोड़ा सा हम काला नमक भी मिला सकते हैं स्वाद के लिए, काला नमक मिला दें इसमें, थोड़ा सा मिला देंगे, जिससे कि हमारी सब्जियों में नमक फिर हम उस हिसाब से ही डालेंगे, क्योंकि हमने इसमें मिला रखा है नमक। तो नमक हम स्वाद के अनुसार ही डालेंगे, और वो बाद में डालेंगे जब भी सब्जियां बनाएंगे तब। अमचूर आप जितना भी खटाई खाना चाहें उतना इसमें डाल सकते हैं। तो जो सूखी सब्जी आप बनाएंगी उसमें ये बहुत अच्छा बनेगा। आप चाहे तो इसमें जीरा भून के डाल सकते हैं, बाकी आप हींग डाल लें इसमें तो हींग भी मिली रहेगी। अभी हींग ख़त्म है मेरे पास, लेकिन मैं ये मसाला बना के रख रही हूँ, हींग मेरे रोज ही ख़त्म हो जाती है, तो इसमें बाद में मिला सकते हैं हम हींग। चाहे तो आप इसमें गरम मसाला या चाट मसाला मिला सकती हैं, लेकिन हमारे घर में हर एक सब्जी में रोज पसंद नहीं है गरम मसाला या चाट मसाला। तो यदि आपको हर सब्जी में पसंद है चाट मसाला तो आप डाल सकती हैं गरम मसाला, चाट मसाला। बाकी आपको यदि ज़रूरत हो तो उसमें बाद में डाल सकती हैं, जिस सब्जी में आप डालना चाहें। ये डेली की सब्जियों के लिए मसाला है। ये देखिए इतना मसाला बन गया। और यदि हमें दो जनों के लिए सब्जी बनानी है तो हम इतना ही डालेंगे उसमें, इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके, और नमक अलग से डाल देंगे। इसी तरह मैं आपको अचारी मसाला बना के बताऊंगी। तो ये है सौंफ, ये है राई, ये है अजवाइन, और ये है दाना मेथी। अच्छा, मैं इसमें कलौंजी नहीं मिला रही हूँ, कि थोड़ी सी सब्जियों में खारी लगती है कलौंजी, अचार में खारी नहीं लगती लेकिन सब्जियों में खारी लगती है। तो हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे जितना भी हमारा ये मसाले हैं, और इनको फिर मिक्सी में पीस के और मसाला बना के रख देंगे। इस मसाले को आप फ्रिज में भी रख सकती हैं, और काफी दिन तक ये खराब नहीं होता है। और डेली आप अगर सूखी सब्जियों में डालती हैं, भरमा सब्जियों में डालती हैं, तो आपके डेली आराम से इसे एक चम्मच निकालिए डालिए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, तो मेरी सब्जी मैं चाहे
ऐसे भी बना दूंगी ना बिना अंदाज से सब्जी, तो मेरी सब्जी सबको अच्छी लगती है क्योंकि मैं मसाले बना के रखती हूँ और मसाले का अंदाज पूरा रखती हूँ, तो मेरी सबको सब्जियां पसंद आती हैं। तो मैं आपको ये मसाला बना के बता रही हूँ, और यदि आपके अच्छी लगे सब्जी, आप बनाए इस मसाले से सब्जी, तो जरूर बताइएगा कि आपकी सब्जी कैसी बनी। तो इन्हें हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, अभी पास से बताती हूँ मैं इसको। गैस मैंने जला दी है, सौंफ थोड़ी सी ज्यादा ले लें, ये मिठास थोड़ी रहती है सौंफ में, तो कोई खारी चीज को इसका स्वाद मार देता है। तो 3-4 चम्मच मैं आपको थोड़ा सा बना के बता रही हूँ, 4 चम्मच मैंने ले ली है सौंफ, थोड़ी सी ले लें आप, 1 चम्मच ले लें अजवाइन, चम्मच ले लें दाना मेथी के, दो ही चम्मच ले लेंगे हम राई को, और इन सबको हम भून लेंगे। और फिर इसको ठंडा करके हम पीस के और रख देंगे एक डब्बे में। काम करते वक्त ही यदि हम लोग जो भी डब्बे हमने निकाले उनको वापस रखते जाएं तो हमारी किचन भी नहीं फैलती है और हमारा काम भी जल्दी हो जाता है, और यदि हम इनको यूं ही छोड़ देते हैं तो किचन भी फैल जाती है। तो जब भी कोई काम करें उसी वक्त जो डब्बा आपने निकाला है, जो भी चीज़ आपने निकाली उसको उसी वक्त वहाँ पर रख दी जाएँ, तो अपनी जगह पर रख दें, तो आपकी किचन साफ बनी रहेगी। ये काली मिर्च का पाउडर हो गया, मैं इस मसाले को पीस देती हूँ अचार वाले मसाले को। ये देखिए अचार का मसाला भी बन गया, और ये अब किसी भी सब्जी में डालने योग्य हो गया है। तो ऐसे मसाले बना बना के रखते हैं, जिस चाय का मसाला भी आप बना के रख सकते हैं। अब तो गर्मियां आ गई हैं, तो मैं तो खाली इलायची की चाय पीती हूँ, यदि आप मसालेदार चाय भी गर्मियों में भी पीती हैं तो वो भी बना के रख सकते हैं। काली मिर्च मिला सकती हैं, इलायची मिला सकती हैं, लौंग मिला सकती हैं, दालचीनी मिला सकती हैं। काली मिर्च से तो थोड़ा सा खांसी ज्यादा आने लगती है हम लोगों को, तो अगर आप लोगों को सूट करती है तो आप लोग डाल सकते हैं इसमें। तो इस तरह के मसाले बना के रखें किचन में, तो आपको खाना बनाने में बहुत आसानी रहेगी, चाय बनाने में, खाना बनाने में, किसी में भी आपको बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। तो मैंने आज बना लिया है, एक तो ही सब्जियों वाला मसाला सब्जी के लिए ये बना लिया है मैंने, अचार मसाला, और ये काली मिर्ची मैंने पीस ली है क्योंकि हमारे गले बहुत खराब हो रहे हैं, और काली मिर्ची की यदि चाय पी लेते हैं या फिर लौंग डाल के पानी, काली मिर्च और लौंग का पानी पी लेते हैं गुड़ डाल के, तो वो भी सही हो जाता है उससे भी गला। तो कई चीजों को हम बना के रख देते हैं तो बाद में परेशानी नहीं आती है, फटाफट काम हो जाते हैं। तो ये तो हो गए किचन टिप्स। अब मैं बताती हूँ आपको, जब हम सफाई करते हैं घर में तो हमें बेड शीट वगैरह बिछाते हैं तब हमें किन बातों का ध्यान रखना है, तो चलिए बताती हूँ मैं आपको। इन डब्बों में मैंने दोनों चीजें भर दी हैं, और ये जरूरत के टाइम में ले लूंगी इनको, पास में ही रख दूंगी एक बार मैं, तो मुझे जब सब्जियों में डालना होता है तो मैं ये डब्बा भी मैंने पास में ही रख लिया है, खाना बनाते टाइम इन चीज़ों को यूज कर लेते हैं। तो जो चीज़ें हमें यूज करनी है उन्हें अपने पास ही रखिए,
जिससे आपको लेने में आसानी रहे। यहाँ मैं बेडशीट बदल रही हूँ और बेडशीट को हर दो तीन दिन में बदलना पड़ता है क्योंकि सभी लोग हम इसमें बैठते हैं, खाना भी खा लेते हैं और हर तरह से बैठे रहते हैं तो पाँव भी मिट्टी के आते हैं और मिट्टी भी आ जाती है, तो इसको बदल देती हूँ मैं दो दिन में। और क्या है कि नीचे एक बेडशीट पुरानी भी बिछा के रखती हूँ तो इसको भी बदलूँगी क्योंकि ये भी बहुत गंदी हो गई है। तो बेडशीट बिछाते टाइम हम यदि कोम्ब से कंघे से इसको बेडशीट को डाल देते हैं, मेरी पुरानी पलंग है तो इसमें हाथ थोड़ा सा लगता है हाथ में, तो मैं इसको कंघे से बिछा देती हूँ और चारों तरफ इसको दबा देती हूँ जिससे ये बिल्कुल भी सल इसमें नहीं होते हैं। और जो पुरानी उतारती हूँ बेडशीट तो उसको भी मैं तह करके रख देती हूँ क्योंकि ऐसी रखी हुई बुरी लगती है मुझे और जब धोनी होंगी तो मैं इसको वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी, लेकिन जब तक नहीं धोंगी तब तक ये तह करके रख दूँगी। इसी तरह मैं अब जो सारी सफाई करूँगी, डस्टिंग करूँगी, तो जो विनेगर डाला हुआ पानी होता है उससे मैं करती हूँ। विनेगर है इसमें, बेकिंग सोडा है, तो इस पानी से क्या है कि बिल्कुल कांच चमक जाता है, टेबल मेरी चमक जाती है। इसको फिर मैं सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी, अभी मैं गीले कपड़े से पोंछ रही हूँ, फ्रिज को भी पोंछ दूँगी इस तरह, टीवी को भी पोंछ देती हूँ और फिर सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ तो ये बिल्कुल चमक उठते हैं। तो विनेगर और मीठा सोडा हर एक के घर में होता ही है, तो उससे आप पानी में डाल के इन चीज़ों को साफ़ कर सकते हैं, आपकी मक्खियाँ भी नहीं आएंगी और बिल्कुल सफाई रहेगी। इसी तरह वॉश बेसिन को भी मैं साफ़ कर देती हूँ और दो तीन बार दिन में साफ़ करती हूँ क्योंकि इसमें हाथ धोना बुरा लगता है यदि ये गंदी होती है तो। और जो इसके नल होते हैं इसको भी कोलगेट से साफ़ कर दें तो वो चमक जाते हैं। और चारों तरफ की इसकी जगह में भी मैं बुरश मार देती हूँ क्योंकि इसमें छींटे आते हैं तो ये बहुत गंदी हो जाती है। इसी तरह मैं कांच को भी साफ़ कर देती हूँ और फिर इसको भी न्यूज़पेपर से साफ़ करती हूँ सूखा होने पर, तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है ये कांच और चमक उठता है। तो ये दोनों तरफ दिख रहा है, एक सी टाइल्स दिख रही हैं इसलिए पता नहीं लग रहा आपको कि कांच कौन सा है। तो इसको मैं बिल्कुल साफ़ करती रहती हूँ और डेली ही करती हूँ इसको साफ़, तो ये चमक उठता है। तो आज की वीडियो में आपने कुछ किचन टिप्स देखे और कुछ होम टिप्स देखे, हाउस टिप्स देखे, तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए लोग बहुत से मेरे जुड़ चुके हैं और उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और जिन्होंने कर रखा है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी वीडियो देखते हैं। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।